स्टूडेंट्स आज हम सीखेंगे डेप्रिसशन में क्वेश्चन नंबर वन अ फॉर्म परचेज अ बिल्डिंग कंसिस्टिंग रुपीज नाइन लैक एंड इट इज डिसाइडेड टू प्रोवाइड डेप्रिसिएशन एट फाइव परसेंट पर एन एम ऑन फिक्स इंस्टॉलमेंट मैथड मेक एन अकाउंट फॉर फोर ईयर्स जब भी सवाल शुरू करना है तो एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है बल्कि चार चीज़ों का ख्याल आपने रखना है नंबर एक जो भी चीज़ आपने ख़रीदी उसकी अमाउंट कितनी है ठीक है जी कॉस्ट क्या आई डेप्रिसिएशन कितने परसेंट है ठीक है जी ये मैंने बोल्ड किए चीज़ें और रेट आपका जब आपको पता चल गया उसके बाद आपने मेथड देखना है कि मेथड क्वेश्चन को करने का मेथड क्या है ठीक है और फिर ये अकाउंट कि कितने सालों का बनाना है जैसे यहाँ पर आपके पास नौ लाख पाँच परसेंट फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड और चार साल का आपने अकाउंट तैयार करना है फॉर्मेट इसका आपके सामने है डेट डिटेल अमाउंट डेट डिटेल्स अमाउंट ये डेबिट साइड है हमारी ठीक है और इधर वाली ये क्रेडिट साइड है जिस चीज़ को आपने परचेज़ किया उसके नाम से इसका अकाउंट क्रिएट होगा और अगर कंपनी का नाम गिवन नहीं है तो आप नेम लिख के आगे ब्लैंक लाइन लगाएंगे अब यहाँ पर जैसे कि डेट्स गिवन नहीं है तो आप अपनी मर्जी से किसी भी ईयर का ईयर को आप चूज़ कर लें जैसे मैं यहाँ पे वन वन टू थाउजेंड ये डेट मैंने लगाई और इधर मैं डिटेल लिखता हूँ कैश अकाउंट अमाउंट मैंने लिखी नाइन लाख यही वाली अमाउंट मेरी यहाँ पे नीचे आएगी क्योंकि और फर्दर कोई आपने परचेजिंग नहीं की तो मैं इसी अमाउंट को यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ अब इस वाली साइड पे आके आपने साल एंड कर देना साल की सबसे आखिरी तारीख जो कि इकतीस दिसंबर होती है वो आप लिखेंगे और यहाँ पर साल का बिल्कुल आगाज़ इधर आप लिखेंगे इकतीस दिसंबर 2000 और डिटेल में आपने लिखना है डेप्री डेप्रिसिएशन एट द रेट फाइव परसेंट ये आपने लिखा अब डेप्रिसिएशन निकालने किस अमाउंट के ऊपर है ये नौ लाख के ऊपर निकालेंगे पूरे साल की निकलेगी अब मेथड हमारे पास फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड है तो जो आपकी डेप्रिसिएशन इस वाले साल निकल आएगी वही डेप्रिसिएशन आपकी आगे कॉपी पेस्ट होगी अब फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड के अंदर आपने पूरे साल का दुरानिया आपको चाहिए होता है डेप्रिसिएशन की अमाउंट को फिक्स करने के लिए अगर आपको वो कहता है कि एक कंपनी ने मशीनरी परचेज़ की है बिल्डिंग परचेज़ की है एक छः जून में अप्रैल में या किसी और मंथ में की है और दिसंबर में जाके साल एंड होना है तो वो वाला ईयर आपने फ़िक्स नहीं करना अब जैसे यहाँ पे पूरा साल पूरे बारह माह बन रहे हैं तो ये जो डेप्रिसशन की कॉस्ट निकलेगी इसको आप फिक्स कर लेंगे जैसे कि यहाँ पे हमने कैसे निकालना है आपने नौ लाख को ज़रब दे देनी है पाँच के साथ तकसीम कर देना है सौ पे अब ये मैं एक्सेल के अंदर कर रहा हूँ तो कुछ इस तरह से आपके सामने कैलकुलेशन होगी आप अपने कैलकुलेटर पे इजी वे में नौ लाख लिख के ज़रब पाँच तकसीम सो करें और आप एंटर प्रेस करें अपने कैलकुलेटर से आपके पास पैंतालीस हज़ार आएगा आप नौ लाख का पाँच परसेंट निकाल लें ठीक है जी अब बकिया इसका जो बैलेंस है वो कैसे निकलेगा इधर आप लिखेंगे बैलेंस बैलेंस सी डी बैलेंस सी डी सी डी मीन आपने इसको डाउन करना है आगे अब कितना बैलेंस आया तो आप नौ लाख में से ये जो अमाउंट है नौ लाख इसमें से आप माइनस कर देंगे उसकी डेप्रिसिएशन की अमाउंट तो हमारे पास आठ लाख पचपन हज़ार बाकी बच गया अब यहाँ पर हम डबल अंडरलाइन करेंगे और इन दोनों को ऐड कर देंगे जैसे ये आठ लाख पचपन हज़ार जमा पैंतालीस हज़ार तो ये देखें ये दोनों अमाउंट ये दोनों अमाउंट इक्वल आएंगी और ये आनी भी चाहिए अच्छा जी फिर हम आप इस बैलेंस को आगे ले जाएंगे कॉपी पेस्ट करेंगे यहाँ पर बिल्कुल इसके नीचे और ये सी की बजाय यहाँ पे बी आएगा बोरो डाउन क्योंकि आपने कैरी करना था आगे और ये आपने बोरो कर लिया वहाँ से अमाउंट सेम हमारी ये वाली आएगी जो कि हमारा रिमेनिंग बैलेंस है इधर इकतीस आप देख सकते हैं इकतीस दिसंबर दो हज़ार को ये साल एंड हो गया यहाँ पे आप नया साल शुरू हुआ यकम जनवरी दो हज़ार एक और ये आप देखें यहाँ पे आपने लगा देनी है डबल अंडर लाइन ठीक है जी और इधर आप इस साल को क्लोज़ करेंगे इसका फ़ॉन्ट साइज़ मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ ये देखें जी अच्छा अब सेम डेप्रीसीशन यही रहेगी और ये वाला रेट भी आपने वही रखना है पैंतालीस हज़ार ठीक है जी तो रिमेनिंग बैलेंस आपने कैसे निकालना है इज़ इक्वल टू दिस अमाउंट माइनस फोर्टी फाइव थाउजेंड और आपके पास रिमेनिंग बैलेंस आप दो हज़ार एक के एंड पे मशीन का आठ लाख दस हज़ार रुपया अच्छा जी अब यहाँ पर आपने इन दोनों को टोटल कर देना है ये पैंतालीस हज़ार और आठ लाख दस हज़ार तो आपके पास ये अमाउंट आएगी ये वाली सेम इधर लिख देंगे अब नया साल शुरू हुआ आपने यहाँ पे लिखना है एकम जनवरी दो हज़ार दो और सेम आप देख सकते हैं अमाउंट ये वाली बैलेंस सीडी वाली और इधर आकर ये बैलेंस बी डी बन जाएगा बैलेंस बोर और इधर साल एंड करेंगे टू थाउजेंड टू अब यहाँ पर डेप्रिसन सेम रहेगी क्योंकि फ़िक्स बेस मेथड है आप कैलकुलेट नहीं करेंगे क्योंकि एक दफ़ा पूरे साल की कैलकुलेट आपने कर ली है अब यहाँ पर आप माइनस करेंगे इस अमाउंट में से डेप्रीसीशन और ये आपका बैलेंस सीडी है कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ मैं और यहाँ पर हम क्या करेंगे इज इक्वल टू सेम वही अमाउंट नीचे लिख दी और इन दोनों को हमने प्लस कर लिया ये देखें जी और इसको भी आपने डबल अंडरलाइन कर लेना है अब ये हमारा लास्ट ईयर है यकम जनवरी 2003 ये देखें जी इज इक्वल टू ये आपने बैलेंस ले लिया पिछले साल से ठीक है जी और यहाँ पर आप डेप्रीसीशन एट द रेट फाइव परसेंट और इधर पैंतालीस हज़ार आपने कॉपी कर लिया क्योंकि फिक्स है फिक्स बेस मेथड है इज़ इक्वल टू इस साल का जो ओपनिंग बैलेंस था उसमें से आपने माइनस कर दिया पैंतालीस हज़ार ठीक है जी तो आपके पास ये देखें यहाँ पर बैलेंस सीडी डी इन दोनों को आप प्लस करेंगे और अगर आपके पास बुक के अंदर फाइव ईयर का आपको बोला गया है तो आप एक साल का और निकाल लेंगे तो उसमें फिर आंसर हमारा छः लाख पचहत्तर हज़ार आएगा अगर आप सुहेल अफजल की काउंटिंग की बुक देखते हैं तो उसमें फ़ाइव ईयर का कहा गया बज़ दफ़ा कुछ पिछले सालों में जो हमारे पास बुक्स थीं उनमें फ़ोर ईयर्स का भी कहा जाता है तो इसमें स्टूडेंट्स आपने ये देखना है कि आपकी कोर्स क्या थी मेथड क्या है और रेट कितना है और कितने सालों का आपने बनाना है अगर आपको मेथड पता चल जाता है और आपको रेट निकालना आ जाता है तो यही मेथड है यही तरीका है डेप्रिसिएशन के क्वेश्चन को करने का तो आप उसको इजीली फाइंड कर सकते हैं अब आपके सामने ये देखें बड़े ही एक ख़ूबसूरत अंदाज़ में आपको मैंने पूरा क्वेश्चन करके दिखाया और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं जो कि लगता है आपको ये मैं कर पाऊँगा या कर पाऊँगी तो आप वो उन क्वेश्चन को ज़रूर ट्राई करें और क्वेश्चन नंबर टू इन नेक्स्ट वीडियो में और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप काइंडली करें ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको वक्ता फ़वता मिलती जाएँ जजाकल्ला